कानपुर में लगातार जीका वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वक्त हम चकेरी थाना क्षेत्र में और देखिए यहाँ पर किस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ये फॉगिंग है नगर निगम की ओर से यहाँ पर लगातार एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, फॉगिंग करवाई जा रही है, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, तमाम जो प्रिकॉशंस है उनको ले। और खासतौर पर कई घरों को यहाँ पर चिन्हित भी किया गया है, उन घरों को खासतौर पर चिन्हित किया जा रहा है जहां पर लोग बीमार हैं, लोगों में बुखार, खांसी बुखार जैसे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। ऐसे स्थानों को, ऐसी जगहों को, ऐसे घरों को चिन्हित कर इन लोगों के सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं। और देखिए नगर निगम की टीम इस वक्त यहाँ पर ये फॉगिंग मशीन द्वारा छिड़काव कर रही है, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं ताकि जीका वायरस के जो केसेस हैं वो बढ़े ना। और ये वही सोसाइटी है जहां पर पहला जीका वायरस का केस आया था। देखिए घर के भीतर तक जाकर ये फॉगिंग हो रही है, तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। चकेरी थाना क्षेत्र है ये और यहाँ पर जितनी भी सोसाइटीज हैं वहां पर नगर निगम पहुंचकर पूरी मुस्तैदी के साथ काम करने में जुटी हुई है। देखिए घर के भीतर की तस्वीर, किस तरीके से घर के भीतर जाकर फॉगिंग की जा रही है और लोगों को प्रिकॉशंस के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पर लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है ये कानपुर प्रशासन के लिए भी कि आखिर किस तरह जीका वायरस को वो नियंत्रित करे। अभी कल तक का जो हमारे पास रिकॉर्ड था वो 80 केसेस हमको टोटल आ चुके थे, जिसमें सर्वाधिक हमारे कानपुर में 79 हैं और इसका लगभग 4 किलोमीटर के परिधि में इसका पूरा एक हम लोग ने नक्शा तैयार किया का उसमें, और इसको कम से कम कानपुर में तो हम लोग ने कभी 2700 केसेस का, माने 2700 लोगों का सैंपल लिया और सैंपल लेके लगभग 4 किलोमीटर के अंदर का परिधि का हम लोग ने उसको आइडेंटिफाई किया है कौन से एरियाज में इस तरह का वायरस जो फैला हुआ है। और जीका वायरस एक एडीज मच्छर से ही होता है, तो वो भी एक मच्छर का ही कैटेगरी है जो जिससे माने बुखार और फ्लू टाइप के सिम्टम्स होते हैं और उसको फिर अलग से टेस्टिंग करना पड़ता है कि डेंगी, और उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। उस बात को लेके हुए जीका वायरस पर भी हम लोग सतर्क हैं, उसमें टीम्स हमारी चली गई है, KGMU से भी टीम गई थी, हमारे यहाँ की भी टीम गई थी निदेशालय की, और सब मिला के उसको हम लोग ने अभी नियंत्रण में रखा है। जैसा कि पहला ये मामला हमारे वार्ड में आया 23 अक्टूबर को, तब से पूरा शासन प्रशासन सभी लगे हुए हैं, यहाँ तक कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी भी निगाह पूरी इस क्षेत्र बनी हुई है। और आप देख सकते हैं जगह जगह पे योगी जी के बैनर्स भी लगे हैं, फोटो भी लगे हुए हैं और जनता को जितना जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। देखिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इस पर राजनीति से परे हट करके योगी सरकार को इवेंट मैनेजमेंट की जगह बात बहादुरी की जगह काम बहादुरी दिखानी होगी। कहीं ना कहीं इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था करें, प्रिवेंशन करें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। आदरणीय योगी जी, कम से कम यहां पर तो आप अपनी बातों की जगह पर काम दिखा दीजिए। कानपुर नगर में जीका के कोई भी धनात्मक रोगी नहीं मिला है, अब तक कुल 66 रोगी धनात्मक मिले हैं। निरोधात्मक कार्रवाई सभी प्रभावित 12 मोहल्लों में की जा रही है। आज 70 टीमों ने सर्विलेंस का कार्य किया, जिसमें 3311 घरों में सर्विलेंस की एक्टिविटी की गई, उसके अब तक कुल मिलाकर 76953 घरों में सर्विलेंस की कार्रवाई पूरी कर ली गई है। एज फार एज माई हॉस्पिटल इज कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं, उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं, लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम
वाइटल्स लिए जाएंगे। अगर जरा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही ना बरतते हुए तुरंत काशीराम, उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एको केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ सफाई करके उसको तैयार रखा है, किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे। मकसूद मेरे साथ मौजूद है, जोनल सैनिटरी ऑफिसर है, उनसे हम बातचीत करेंगे। मकसूद, यहाँ पर अभी तक क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, आपकी टीम काम कर रही है? ये ओम पुरवा वार्ड है, ये इस वार्ड में 48 सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं और हम लोग का जो काम है वो सैनिटाइज, घर घर हम लोग सैनिटाइज कर रहे हैं और दो टाइम में फॉगिंग करा रहे हैं। सुबह मॉर्निंग में फॉगिंग होती है छोटी मशीन से और शाम को हम लोग कराते हैं 5 से 2 घंटे 7 बजे तक के बड़ी मशीन से फॉगिंग कराई जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा जा रहा है ताकि लोग जो हैं वो घर घर जाकर जागरूक हों। और देखिए, यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो संचारी रोग नियंत्रण अभियान पूरा पोस्टर यहाँ पर बकायदा लगाया गया है। जिला स्वास्थ्य समिति कानपुर नगर निगम की ओर से ये पूरा पोस्टर लगाया गया है। इसमें किस तरीके से अगर आपको लक्षण होते हैं तो क्या करना चाहिए, जीका वायरस कोविड के प्रति किस तरीके से बचाव हो, मच्छरों से कैसे बचाव आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से अगर इसको आप देखें तो पूरा जो प्रिकॉशंस लेने का जो तरीका है, जो प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ पर बताई गई है।